ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ 13 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹੈ क्या आपका फ्रेंड माय नेम इज कृष्ण गुप्ता फ्रॉम क्लास ओके तो आज प्रोजेक्ट आप पेश करें क्या प्रोजेक्ट सो ये एक स्मार्ट हॉस्पिटल है जो मैंने एक बनाया है तो यहाँ पे एक स्मार्ट डोर है जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और बंद हो जाता है जैसे कोई बंदा आया जिसके पास कोई स्पेशल बंदा जिसके पास हाथ नहीं है तो फिर वो खुद अंदर जा सकते हैं ईजिली और बाहर आने के लिए ये एक टच सेंसर है बताइए तो बाहर जाने के लिए एक टच सेंसर है तो फिर वो बंदा यहाँ पे अपना फिंगर रख के बाहर जा सकता है और ये बंद भी ये मैंने ब्लैक स्क्रीन लगाई है क्योंकि सेंसर मुझे डिटेक्ट कर लेता है एज कोई अंदर जा रहा है ये एक आईआर सेंसर है इंफ्रारेड सेंसर तो ये ऑटोमेटिकली जो बंदे अंदर गए और जो बाहर गए यहाँ पे दिखाते हैं तो अभी तक काफ़ी बार मैं दिखा चुका है इसलिए 7 बंदे अभी डोर ओपन कर चुके हैं और 5 बार ये यूज़ हुए है और 5 बार बंदे बाहर गए हैं और 2 बंदे टोटल इनसाइड हैं तो फिर ये एक स्मोक सेंसर है जो स्मोक डिटेक्ट करके बता देता है यहाँ पे मैं और लाइट सेंसर भी आपने बताया था ये एक इंडिया सेंसर है लाइट सेंसर जैसे कोई रात हुई अभी लाइट नहीं ऑफ कर सकते इसलिए मैंने अपनी फिंगर इसके ऊपर रखी है दिखाने के लिए अभी रात है इसलिए फिर लाइट्स ऑन हो गई हैं तो कितने सेंसर टोटल आपने इसमें यूज़ किए हैं 7 तो आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसे आपको आया कि यही प्रोजेक्ट करना है क्या कारण रहा सोच के और पटियाला में 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि आग हो गई थी और आग की स्मोक डिटेक्ट नहीं हुई इसलिए उनको पता नहीं चला कि आग थी इसलिए बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज मारे गए इसलिए फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर स्मोक सेंसर है जो स्मोक को डिटेक्ट कर सकते हैं एक टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर भी है जो फिर डिटेक्ट कर लेगा और अलर्ट कर देगा फ़ोन पर तो कितना समय लगा ये आपको बनाने में 3 महीने वो मुझे नहीं पता 7 to 8 thousand तो ये सब जो सेंसर जो सब प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ से आपको लेंगे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी सामान अरेंज करने में ये अमेजोन से ही ऑर्डर किए थे सेंसर्स ओके तो अभी इसको क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में अभी आप आगे भी फ्यूचर में मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ कि पहले मैं अपनी स्टडीज़ ख़त्म करूँगा और ट्राई करूँगा कि ये हॉस्पिटल और ऑटोमेटेड बनाऊँ और इंडियर लाइफ भी क्रिएट करने की कोशिश करूँ बोलेंगे आप बोलेंगे जी मैम हाँ जी आपका नाम मेरा नाम सीमा गुप्ता है मैं कृष्ण की मदर हाँ तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही है मेरे बेटे ने जरा स्मार्ट हॉस्पिटल बनाया है बच्चे का इमोशनल फीलिंग की सोचा पटियाला विच एक इंसिडेंस होया सी और दे पापा को पूछ रहे कि पापा ये की होया बच्चे की डैथ किवें होगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही सी इस गल तो फिर मैं क्या बेटा हम क्या कर सकते हैं कहता हम कर सकते हैं आजकल सेंसर्स आते हैं जैसे अमेजोन से कोशिश की सेंसर मंगाए माचिस से करता था मम्मा सेंसर चल पड़ा बहुत खुश होता था फिर इसने ये सारा घर पर लकड़ी पड़ी थी सोच के हेल्प करके बनाया तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो इसने सोचा था वो बना भी दिया और अब इसका आगे का मोटिव भी है कि मैं रियल लाइफ में बनाऊँ तो आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी तो आपकी कैसी हेल्प रहती थी इसमें हाँ जी बहुत खुशी हो रही है ये मूवमेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकते और बच्चा कोशिश की उनकी सक्सेसफुल हुई बहुत खुशी का मौका है तो अभी बहुत होपफुल है कि बच्चा अगे भी अगर कुछ
ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਲਪ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਰੋਬੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ 8th ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ। मैं डिम्पल वर्मा विज़रोबो से हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज कृष्ण गुप्ता ने एक स्मार्ट हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाया है। सो इस स्मार्ट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के पीछे का एक पर्पस था, पीछे एक पटियाला में एक पर्टिकुलर केस हुआ था जहाँ पे कि फायर हुई और उससे यू नो न्यू बॉर्न बेबीज, जो इन्फेंट बच्चों का सेक्शन था, तो वहाँ पे बच्चों को उनके लाइफ्स को लॉस हुआ। सो उससे ही एक इंस्पिरेशन थी उसके लिए कि हम हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ यू नो जो कि आई थिंक प्रायर हमारी एक इम्पॉर्टेंस रहती है, उसके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं और वहाँ हम ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें ऑलमोस्ट 7 सेंसर यूज़ हुए हैं। अगर कहीं पे फायर या स्मोक आती है तो वहाँ पे सारे के सारे यू नो एग्जॉस्ट चल जाते हैं रादर देन अलार्म, क्योंकि अलार्म भी बजेगा, लोग आएंगे और उसमें भी अगेन टाइम लगेगा। वी आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन कि बिना किसी के आए, किसी का कुछ करे, हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वहाँ पे सारे के सारे एग्जॉस्ट ऑन हो जाएंगे, जहाँ से कि हम फायर को कैसे रिजॉल्व किया, फायर को बंद किया, एक वो उसमें हमने फीचर ऐड किया है। उसके साथ साथ कैसे पेशेंट्स इसमें आ रहे हैं, ऑटोमेटिक एंट्री है, काउंटर है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है कि यू नो कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, और अगर ऑलरेडी हॉस्पिटल फुल है, पेशेंट को अटेंड नहीं किया जा सकता, कोई इमरजेंसी पेशेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम हॉस्पिटल में पहुँच गए बट इमरजेंसी है, वहाँ पर बेड नहीं है। सो ये सब चीज़ें का रिकॉर्ड रहेगा, आपके बॉडी के टेम्परेचर्स, BP सेंसरिंग है वहाँ पर, कैसे पेशेंट का सारा का सारी चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हमने उसमें ऐड किए हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम मेडिकल सर्विसेज में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। तो अभी इंडिया बुक ऑफ रिपोर्ट्स में इनको उसको क्या करना है? डेफिनेटली जी, ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इंडिया बुक्स रिकॉर्ड्स ने भी इसको अप्रूव किया है और ये हमारा अब 19th रिकॉर्ड है जो कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ एम्पावर करते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी की चीज़ें सिखाते हैं और हम अब आगे हॉस्पिटल्स के साथ जाना चाहेंगे और हम उनको ये फीचर्स उसमें हम नेक्स्ट डे ये इम्प्रोवाइजेशन और ये काम हम करना चाहेंगे।